प्रोग्राम का सफलता शो च एक बार फिर आप सब का निघा स्वागत है जी। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे बैंक ऑफ कैनेडा तो। जानते हो सारे जो कनेडा वासी है कि बैंक ऑफ कैनेडा वालों लगातार मोरगेज दर वधाइया गई, असर जो देखने मिल रहा है। हुण बैंक ऑफ कैनेडा वालों दस्या गया कि कैनेडा दे विच जिन्ने लोगों के कोल वेरीएबल मोरगेज आ, कनेडा विच खुली मोरगेज रखने का भी एक रवाज आ, उहदे विच तुहाडी टर्म जिहड़ी आ फिक्स हुंदी आ 3 या 5 साल, पर रेट जिहड़ा प्राइम रेट के हिसाब नाल खुला रख्या हुंदा, वो उपर थले प्राइम रेट के हिसाब के नाल हुंदा रहिंदा। जदों हुण बैंक ऑफ कैनेडा वालों लगातार जिहड़ा प्राइम रेट वधाया घटाया गया, तो उहदे नाल मोरगेज रेट काफ़ी उपर चले गए आ। सो इस करके उन्होंने दस्सिया कि जिहड़ियां वेरीएबल मोरगेजिज़ कनेडा दे विच हैगियां, उन्हां विचों तकरीबन अद्धियां जिहड़ियां ट्रिगर पॉइंट दे उत्ते पहुँच गईआं। सो ट्रिगर पॉइंट का मतलब यह हुंदा वी जिहड़ी तुहाडी किश्त जा रही आ वो सारी दी सारी हुण व्याज बन गई आ। वैसे की हुंदा वी मान लो 2000 तुहाडी किश्त जा रही आ, उहदे विचों तकरीबन 1200-1300 जिहड़ा आ उहो व्याज जांदा हुंदा, 700-800 दे करीब मूलधन जिहनूं कि आपां प्रिंसिपल कह दिंदे आ उह लैंदा हुंदा, पर वह हुण अगर कि इंट्रस्ट रेट वध गए वो व्याज 1200-1300 वध के 2000 ते चल गया अंदाजन, जिदा भी तुहाडी पेमेंट जा रही है। सो वो ट्रिगर पॉइंट उन्होंने कहें। सो उस तो बाद जो कि है बैंकों कुछ करना पैंदा, जो मोरगेज जिन्हें ली हुई है उन्हों कुछ करना पैना भी हुण तैनूं दस भी गांह तेरे को ऑप्शनस की है। सो बैंक ऑफ कैनेडा कहती कि वेरीएबल मोरगेज जिहड़ियां टोटल आ उन्होंने तकरीबन अद्धियां हुण ट्रिगर पॉइंट के उत्ते पहुँच गई आ, ते जिहड़ियां पूरे कैनेडा दे विच मोरगेजिज दित्तियां होईआं उन्हां दे विचों 13% हिस्सा इह बनता हैगा जी। सो एक काफ़ी वड्डा पॉइंट आ, लोगों के उत्ते कर्जा जिहड़ा काफ़ी चढ़िया होया, इंट्रस्ट रेट वधन दे नाल कर्जा जिहड़ा होर वड्डा हो गया। बाकी अड्ड बैंकां अड्ड तरीके डील करदियां, जिहड़ा लोगों की स्कोशिया बैंक के कोल मोरगेज आ वह तां नाल दी नाल वधाउंदे रहिंदे आ, जिनी इंट्रस्ट रेट के वाधा होया उन्ना उन्होंने तुहाडी किश्त जिहड़ी चक देनी है। पर होर बहुत सारिया बैंकों जो नहीं कर दिया वो वेट कर दिया। हुण तुहाडी परसनल क्रैडिट स्कोरिंग की आ, तुहाडा रैकड की आ, ते नाल दी नाल तुहाडी समर्था की आ, घर दे विच डाउन पेमेंट किन्नी आ, उहदे हिसाब दे नाल बैंकां देख रही आ। जिहदी डाउन पेमेंट ज़्यादा दित्ती हुई उहदे बारे फिक्र घट आ उहनां नूं, उह कहिंदे कोई गल नहीं भी जे पैसे वध भी पैंदे होए कैश दे विच, कैश तों किन्नी रखी रखो, जदों मोरगेज दी टर्म मुकूगी उदों हिसाब किताब कर लाँगे, क्योंकि उहनां नूं पता भी पैसे काफ़ी पए आ। सो जिन्हां ने 10%, 20%, 25% डाउन दित्ता सीगा, कीमतां दे विच इन्नी गिरावट आ गई आ, उह एज दे उत्ते आ, खूंजे ला लए आ उहनां ने, उन्होंने ऑप्शन ये दित्तियां जा रही भी जां तां अपनी जिहड़ी मोरगेज की किश्त वधा लो, जां कुछ जिहड़े पैसे हैगे आ 50,000 लख विच दे दिओ तां कि तुहाडी पेमेंट जिहड़ी आ इन्नी रहे तां तुहाडा कर्जा जिहड़ा आ वह घट जाए, ते जां फिर तुसीं मोरगेज फिक्स करा लो इहनूं तोड़ के दुबारा, ते किसे तरीके जे मोरगेज घट बणदी आ तां वह हल देख लो। सो इहो जिहियां ऑप्शन दित्तियां जा रही, ते लोग जिहड़े काफ़ी फसे हुए आ, स्पैशली जिहड़े फस्ट टाइम बायर जिन्होंने 2021 दे अद्ध तो बाद घर खरीदे आ, वह बहुत महंगे खरीदे आ, कीमतां घट गई, किश्तां हुण आलमोस्ट डबल हो चुलियां, वह थोड़ा औखा होया, वह भी उदों जदों कि हुण काम भी घट रहे आ। जिहड़ी ट्रकिंग इंडस्ट्री आ वह बहुत स्लो हो गई आ, कल्ले कनेडा दे विच नहीं अमरीका दे विच भी रेट बहुत डिग पए आ। सो जिहड़ा विच्चों तनखाह निकलदी सी ट्रकर दी जां कहिंदा प्रॉफिट उहनूं हुंदा सीगा, वह हुण बहुत घट गया जां खत्म हो गया आ, खर्चे जिहड़े आ रह गए आ, क्योंकि जिहड़ा ट्रक आ उहदी अपनी किश्त आ, उहदी इंश्योरेंस आ, होर खर्चे आ, वह तां उन्ने ही रहिणे आ, चाहे वह खड़ा रहे तो चाहे चलता रहे, पर उहदे नाल जिहड़ी इनकम ट्रकर दी आ उह बड़ी प्रभावित हुई आ। कंसट्रक्शन इंडस्ट्री का भी यही हाल है कि जदों घरां दी मार्केट स्लो हुंदी आ नाले कंसट्रक्शन स्लो हो जाती है, तो जिहड़े बंदे 7 दिन बिजी सीगे उह 5 दिन काम कर रहे आ, जिहड़े 5 दिन काम कर रहे सी उह 3 दिन काम कर रहे आ। सो हौली हौली असर सारे थां देखण नूं मिल रहा आ, जिहड़े असर अज देखण नूं मिल रहे आ काम घट रहे आ, इहदा प्रभाव जाके 3-4 महीने दे उत्ते तुहानूं देखण नूं मिलना आ। सो इह इक कह लो वी पिरामिड स्कीम दे वांगू हौली 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 जिहड़ा घरां दी मार्केट आ ते बाकी मार्केट आ उह डिग रही आ। बैंक ऑफ कैनेडा वालों कैनेडा सरकार वालों वार बार ये गल स्पष्ट की गई है कि इंट्रस्ट रेट हले थोड़े बहुते होर वध सकते हैं, दसंबर के 0.5% वधाउण की गल की जा रही है। सो हले जिहड़े बंदे कह लो भी जिहड़ा घर वाले आ 6-7 महीने औखे सौखे कढ गए, इन्नी कु समर्था हैगी आ उन्हां दा बचाव हो सकता आ, वरना औखा होया पिया, क्योंकि प्राइवेट लोन देण वाले भी हुण हथ खड़े कर गए आ, जां इंट्रस्ट रेट ही बड़ा चार्ज कर रहे, जे किसे सैकंड मोरगेज लैणी आ 24%, 30% इदा इंट्रस्ट रेट बाहर गल्लां बातां चल रही भी लिया जा रहा है। सो बड़े माड़े हालात कनेडा दे विच इस वेले बने हुए आ, लोग जिहड़े आ उह जूझ रहे आ। सरकार कहिंदी भी करोना वेले तुहाडी बड़ी मदद कर दित्ती सीगी,
2-2 हज़ार रुपए घर बैठे देंदे रहे हैं। हुण जिहड़ी है तुहानूं अपना खर्चा आप चकना पैना है, कोई मदद नहीं की जा सकती। एक गल जी समझ वाली यह है कि बैंकां तुहाडियां दुखी नहीं हैगियां, बैंकां ने तुहाडे तों गाहक तों कमाई करनी हुंदी है। वह कभी नहीं चाहणगियां कि साडा गाहक जिहड़ा आ बैंकरप्सी करे, वह हरेक संभव कोशिश करनगे कि जिहड़ी किसी ना किसी जिन्नी किश्त मिलती है उन्नी आई जाए। सो इस करके हुण बैंकां वल्लों सरकार ते जोर पाया जाना भी मोर्टाइजेशन वधाई जाए। जिन्हां बंदियां ने मोर्गेज 30 सालों की मोर्टाइजेशन ते लई आ, जे सरकार कह दिंदी आ वी तुसीं 40 साल मोर्टाइजेशन कर दिंदे आ जां 50 साल कर दिंदे आ, उहदे नाल फिर बचा हो जाणा, मोर्गेजां तड़ा के दुबारा हो जाणगियां। जां इक ब्लेंड कह दिंदे हुंदे मोर्गेज हो जाती है, ब्लेंड एंड एक्सटेंड वो करा लैणगे। सो उहदे नाल की होगा कि तुहाडी पेमेंट जिहड़ी आ घट जाऊगी। सरकार कदों इह ऑप्शन दिंदी आ, इहदे वास्ते तुहानूं अपने एम पीज़ उत्ते प्रैशर पाउणा पऊगा कि वह जाके मंग करन कि जेकर हुण रेट दा तुसीं नहीं घटा सकते घट्टो घट्ट मोर्टाइजेशन ही वधा दिओ तां कि लोकां दे घर बच जाण, अदरवाइज बहुत सारे लोग जिहड़े आ उह किश्तां देण तों बेवस होए पए आ जी। इस दे नाल ही आपां गल्लबात करनी आ सरी शहर दी, तां सरी शहर दे विच सरी पुलिस ते सरी RCMP दा मुद्दा जिहड़ा बहुत गंभीर चर्चा दा विशा बणिआ रहिंदा आ। हुण सरी RCMP नूं इह पुछिआ गिआ सीगा कि तुहाडे किन्ने अधिकारी जिहड़े आ, किन्नी नफरी है तुहाडी, गिणती किन्नी है सरी दे विच, किन्ने जाणे ऑपरेशनल हुंदे आ, मतलब कि सरी दे विच किन्ने जाणे सड़कां दे उत्ते काम करदे आ, ते उहनां वल्लों जानकारी दित्ती नहीं जा रही। सो किहड़ी गल्लां लुको रहे आ, इह आपणे आप दे विच वड्डा सवाल आ। इहनूं लै के हुण होर सवाल उठ रहे आ कि कोई गिणती है ही नहीं हैगी, जिहड़ी गिणती दस नहीं रहे हैगे जां गिणती घट बहुत आ, जे दसणगे तां लोक जिहड़े आ उह हैरान हो जाणगे, ते जां कोई होर कारण आ कितें इह आ वी तनखाह ज़्यादा बंदियां दी लई जांदे आ, सिटी कोलों बंदे काम करन पूरे है नहीं गे, तो जे दसणगे तां गल बाहर निकल आऊगी वी ओवर टाइम किन्ना लगता, बाहरलियां होर RCMP डिटैचमेंट्स तों किन्ने बंदे अधारे सदे जा रहे आ। सो एक वड्डी पद्धर ते चर्चा दा विशा बनिया होया आ। कुछ महीने पहला मेरे वालों खुद सिटी ऑफ सरी नूं एक RTI पाई गई सी, उहदे विच वी मैं इही सवाल किया गया सीगा कि सानूं दस्सिया जावे कि RCMP की किन्नी नफरी आ, किन्ना इहनां नूं ओवर टाइम पे किया जाता आ, पर सिटी ऑफ सरी ने कोई भी जवाब देना ना कर दिती सी, क्या सजा कि जानकारी जी दस नहीं सकते। क्यों नहीं दस सकते, एक अपने आप वड्डा सवाल आ। सरी पुलिस जिहदे कि इस वेले 115 मुलाजम जिहड़े काम कर रहे आ सड़कां दे उत्ते, 35 होर नवंबर दे विच आ जाणे आ। वैनकूवर पुलिस वो दस रही है कि साढ़े 1300 बंदे सड़कां दे काम कर रहे आ, डेल्टा पुलिस दस रही है कि साढ़े 196 जिहड़े बंदे आ उह काम कर रहे आ। तो सरी RCMP क्यों नहीं दस रही, एक पासे तो यह कहा जा रहा कि शहर के पारदर्शिता होनी चाहिए है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, सरी पुलिस उत्ते दोष ही लाए जाते थे भी ट्रांसपेरेंसी है नहीं, फलाना है नहीं, आप ये भी दस के रख जी नहीं भी साढ़े बंदे किन्ने काम करते इतने। सो ये बंदे लगता घट काम करते हैं जो कि नहीं दस रहे। सो जो सवाल किए जाते हैं उन्होंने नकार दिता जाता। हुण इस संबंधी साइमन फ्रेज़र यूनीवर्सिटी के क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते प्रोफेसर रॉब गॉर्डन उन्होंने भी शंके जताए आ। वो कहिंदे वी इहो जी किहड़ी गल आ कि सरी RCMP दस नहीं रही कि उन्होंने किन्ने बंदे जिहड़े आ सरी दे विच ऑपरेशनल ने पूरे रूप दे विच काम कर रहे आ। शहर वालियां दा कहिंदे हक आ, टैक्स पेयर्स जिहड़े आ उह पैसे पे कर रहे आ, हर साल टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के रूप दे विच उच्चों तनखाहां जांदियां, तो उन्हां नूं पता तां होना चाहीदा भी जिन्ने बंदियां दी उह तनखाह दे रहे आ उन्ने बंदे कदे काम भी करदे आ। सो उह कहिंदे वी इह तां है नहीं गा वी जे RCMP दस दऊगी वी साडा 300 बंदा काम करदा जां 250 बंदा काम करता, तो जिहड़े अपराधी आ इकट्ठे हो के 500 हो के आ जाणगे वी तां 250 जाणा ही आ, आपां इदां बैंक लुट लैंदे आ। कहिंदे बड़ियां बचकाना गल्लां आ, गल दसनी चाहिए है, लुकाउण वाली कोई गल है नहीं गी। सो सरी RCMP दे उत्ते प्रैशर पाया जा रहा कि जेकर सरी पुलिस, वैनकूवर पुलिस, एबसफोर्ड पुलिस, डेल्टा पुलिस दस सकदियां भी साडे कोल किन्ने बंदे काम कर रहे आ, तो तुहानूं भी इह नंबर दसना चाहिए। अदरवाइज हुण माइक फॉर नवर्थ उहनां नूं जदों प्लैन बना के देना उदों तां दसना ही पैणा, होर हफ्ता 2 हफ्ते गल रोक लैणगे, ये गल बाहर आके रहनी आ, तो जो गल बाहर आऊगी तो हो सकता बहुत सारे लोग हैरान होणगे, तो पता लग जाऊगा कि सरी दे विच अपराध जिहड़ा कल ही वधिया आ, की कारण आ, वह एक वड्डा कारण दे विच निकल हैगा जी। इस दे नाल ही आपां गल सरी दी करनी आ जिहड़ी कि अपराध दे नाल जुड़ी आ। सरी दे विच शूटिंग्स दा दौर बड़ा लंबा समां चलदा रहा, पिछले कुछ अरसे तो थोड़ी जी ठल पई आ। हुण अज एक नवीं जिहड़ी गल्लबात होई आ उह है कि सरी दे टमैना विस स्कूल दे विच जिते कि हॉकी ग्राउंड्स बड़ियां मशहूर आ टमैना विस दियां, 126 स्ट्रीट अते 66 एवन्यू, उत्थों दी पार्किंग लॉट दे विच छुरेबाजी दी घटना होई आ, जिहड़ी स्कूल वल्लों प्रिंसीपल वल्लों चिट्ठी जिहड़ी आई आ उहदे विच उहनां ने स्पष्ट कीता कि जिहड़ा जख्मी होण वाला व्यक्ति आ
ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ CPR ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰੀ ਦੇ ਟਵਾਣਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਬਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਸੋਕਰ ਕੱਪ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ 2-1 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਸੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਾਮਲੂਮ ਜਿਹੀ ਟੀਮ, ਕਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਕਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਟੀਮ। ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ, ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੌਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਚੰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਢਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇਹ 4 ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੱਲ 32 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, 8 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਮੈਚ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 4-1 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ, ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ
रोक लाने का फैसला किया गया है कि सोपे की दुरवरतों जी बंद की जाऊगी। इस दे गया कि बंदी सिंघां की रिहाई के वास्ते देश पद्धर के उत्ते एक मुहिम दस्तखती मुहिम चलाई जाऊगी। तो नाल ही नाल भी कहा गया कि यूट्यूब का एक अपना चैनल एस जी पी सी वालों चलाया जाऊगा। लंबे समय तो मंग आ कि बादलों तो मुक्त कराया जाए, सिर्फ पी टी सी अधिकार दते हुए आ सीधे प्रसारण के बहुत वारी अपील हो चुकी, कुछ बहुत कुछ सामने आ चुका, पर फिर भी श्रोमणी कमेटी वो फैसला वापस नहीं लै रही। पर यह गल कहती है कि यूट्यूब अपना चैनल जोड़ा आ चलाया जाऊगा जिसे लाइव प्रसारण देखा जा सकता। इस ही एक होर जो निर्देश आ जील आ जारी की गई है कि जोड़े सिख धर्म मनण वाले आ वो गुरबाणी के टैटू अपने शरीर के उत्ते ना खणवाण जां धार्मिक चैनल जिहड़े उह खणवाउण तों ग्रेज करन। बहुत सारे लोग है जिन्होंने अपने शरीरां दे उत्ते धार्मिक जिहड़े चिन्ह हैगे आ उह खणवाए होए आ जां गुरबाणी दीआं तुकां खणवाईआं होईआं। इस तों पहलां वी इक हुक्मनामा जारी कीता होया सीगा, पर हुण फिर एक वारी इह गल जिहड़ी आखी गई आ। मंदरा बेदी ने गुरबाणी दीआं तुकां फिल्मी अभिनेत्री ने खणवाईआं सीगीआं, बाद च माफ़ी मंगी सीगी। नीरू बाजवा पंजाबी फिल्म अभिनेत्री आदि वालों भी यह तुगां खणवाईआं गईआं सीगीआं, वह भी चर्चा का विषय बनिया होया। हुण होर देश विदेश विचों बहुत शिकायतां आ रही कि गुरबाणी का प्रयोग जिहड़ा गलत तां कीता जा रहा। सो गुरबाणी ते नाल दी नाल धार्मिक चिन्ह यह अपील की गई है कि ना खणवाए जाण। बहुत सारे लोग ने जिन्हां ने अपने हत्थां दे उत्ते बाहां दे उत्ते खंडे दे निशान जां एकमकार लंबे समय तों जिहड़ा आ खणवाया होया वो की करनगे, वो एक वड्डा सवाल जिहड़ा बनिया होया। इस संबंधी हुण चर्चा जिहड़ी एक वारी फिर वड्डे पद्धर ते चल रही है कि यह निर्देश किन्ना क सही है जां किन्ना क गलत आ। अज्ज इस बारे तरह तरह की गलबात चल रही है जी। इस नाल ही आपां गलबात करिए जसदर काल तख्त हुणां दी। तां जसदर काल तख्त साहब ने एक तकरीर दिंदिया यह कहा सीगा कि जे देश अंदर भारत अंदर हिंदू राष्ट्र की गल करना गलत नहीं तो सिख राष्ट्र की गल करना गलत किवें आ, सिख राज की गल खालिस्तान की गल करनी किवें गलत आ। हुण भाजपा वालों बेशक सीधे तौर पर तो जथेदार उन्होंने आप कुछ नहीं कहा गया, पर सीधे तरीके दे नाल अपने ही एक आगू इकबाल सिंह लालपुरा जिहड़े कि साबका पुलिस ऑफिसर रहे आ पंजाब दे, पंजाब दे रिकॉर्ड वैसे उन्हों का बड़ा वधिया रहा, पर हुण भाजपा दे विच आ ते भाजपा ने उन्होंने घट गिणती कमीशन का चेयरमैन भी बनाया। उन्होंने जथेदार नूं सवाल किया कि तुसीं दसो भी की सिखां नूं आपां राज चाहिए कि नहीं। वो कहिंदे भी मैं जथेदार नूं जथेदार की सोच में चुनौती नहीं देना चाहुंदा, पर जथेदार तो स्पष्टीकरण मंग रहा भी वह स्पष्ट करन भी सिखां दे विच भारत नूं सब कुछ तो मिल रहा, 60% आबादी है पंजाब दे विच सिखां दी, एम पी भी बन रहे, एम एल ए भी बन रहे, चंगीआं नौकरियां दे उत्ते भी लगे हुए आ। फिर जथेदार वार वार ये गल क्यों कह रहे हैं भी सिखां नूं सिख राज की गल जी करनी चाहिए है, जो खुद क्यों ये गल कह रहे हैं कि सिख राष्ट्र की गल होनी चाहिए है। सो ये सवाल उन्होंने जथेदार अकाल तख्त साहब ने पूछा, पर बड़ी हैरानी की गल आ भी सवाल पूछने वाले वो आ जिहड़े खुद हिंदू राष्ट्र की गल कर रहे हैं। भाजपा उहदियां सहयोगी जथेबंदियां आर एस एस जिन्होंने उन्होंने इत्थे तक लिया वह आप तो हिंदू राष्ट्र की गल कर रहे हैं, इत्थों तक कह रहे हैं कि सारिया कम्यूनिटीज़ होर भारत में वसण वालियाँ चाहे वह सिख आ मुसलमान आ पारसी बोधी जैनी आ वह सारे हिंदू आ, तो हिंदू राष्ट्र जो कहते अं भारत को बना आ। पर जो कोई होर घट गिणती कहती है भी जो तुम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं तो असं अपना सिख राष्ट्र या सिख राज क्यों नहीं बना सकते, तो उन्होंने उत्ते इतराज आ। सो हुण ये बहुत वड्डा सवाल भाजपा ने सीधे तरीके लालपुरा अगे ला के जथेदार साहब तो पुछया। सो बड़ी हुण दिलचस्पी के देखने वाली गल होगी कि जथेदार हुण इहदा की जवाब देंदे आ। अखीर दे विच आपां गलबात करनी आ हेट स्पीच की। अज लफ्ज़ बड़ा अजकल चर्चा का विषय बनिया होया पंजाब दे विच, पंजाब पुलिस के मुखी डी जी पी मीडिया जिहड़ा जो करी जांदा हेट स्पीच बहुत हो गई पंजाब दे विच, मतलब कि अमृतपाल सिंह नूं निशाना बनाउण दीआं गल्लां चल रही आ। एक नौजवान जिहड़ा कि प्रधानमंत्री जी नूं सद्दिया बाजे के असली नाम तां कुछ होर आ उहदे उत्ते इस गल करके परचा दर्ज किया गया कि उहने हथियार वाली फोटो जिहड़ी सोशल मीडिया दे उत्ते क्यों चाढ़ी सीगी। हुण हेट स्पीच के उल्ट दबके मारे जा रहे हैं, हेट स्पीच के नाँ के उत्ते मीडिया के उत्ते गल्लां बातां हो रही, पर समझण वाली गल आए कि हेट स्पीच नूं अजे तक सरप्रस्ती देण वाले हेट स्पीच नूं जिहड़े हेट स्पीच लोग दिंदे सीगे, हेट स्पीच दा मतलब नफरती तकरीर सुधीर सूरी वर्गे निशांत शर्मे वर्गे अमित अरोड़े वर्गे बंदे जिहड़े कि हुण तक करदे ही रहे आ, तो उन्हां नूं 26-26 गनमैन पंजाब पुलिस ने पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार ने दिते आ, उन्हां खिलाफ़ उदों कार्रवाई क्यों नहीं की बई। हुण जिहड़ी आ डी जी पी अमृतपाल सिंह नूं गल कह रहे आ, पर जिहड़े हेट स्पीच पहलां करदे रहे आ जिन्हां दे करके एक सुधीर सूरी दा कतल भी होया हेट स्पीच दे कारण, उन्हां नूं खुली छुट्टी दे रखी आ। कल्ली खुली छुट्टी नहीं दित्ती समां सिक्योरिटी दित्ती आ,
ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਖੁਦ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬੜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।